पाकिस्तान भिड़ने वाले हैं। दो देशों की जंग में पहली बार भारत और पाकिस्तान ही आमने सामने होंगे। भारत अपने मित्र देश आर्मेनिया को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। भारत एक साथ तीन देशों का शिकार करने वाला है। दरअसल महीनों से चल रही आर्मेनिया और अजरबैजान जंग में और अजरबैजान की जंग में भारत आर्मेनिया के साथ खड़ा है, तो वहीं अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की का साथ मिल रहा है। अजरबैजान ने तुर्की से हथियार लेकर ही आर्मेनिया पर हमला किया था। इसी घटना के बाद आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदकर अपनी आत्मरक्षा की थी। अजरबैजान ने धमकी दी थी कि आर्मेनिया भारत से मदद लेने के बावजूद नहीं बच सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुल्क और है, जगह और है, लेकिन हथियार पाकिस्तान और इंडिया के हैं और वहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान लड़ने वाले हैं। दोस्तों आर्मेनिया को 6 महीने पहले भारत ने पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम और फिर सवाथी और फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम देकर उसे मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन आपको बता दूं कि सवाथी एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही अजरबैजान ने तुर्किश ड्रोन TB2 से तबाह कर दिया था, लेकिन अब जाकर भारत ने आकाश भी थमा दिया और पिनाका भी थमा दिया। और अब ये हुआ है कि अजरबैजान ने इनका तोड़ करने के लिए पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के तैयारे ले लिए हैं। ब्लॉक 3 में क्या खासियत है? हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले है, BVR मिसाइल है, दोस्तों हर चीज है जो 4.5 जनरेशन तैयारे में होती है। 4.5 जनरेशन के तैयारे पाकिस्तान ऑलरेडी यूज कर रहा था जो F-16 है, उसी की तरह पाकिस्तान ने फिर ये तैयारा बिल्ड किया है और इस तैयारे को लेने के लिए कई ममालिक की लाइन लगी हुई है। अजरबैजान ने $1.6 बिलियन में ये मुआहदा कर लिया है और इस मुआहदे के होते ही भारत की दोस्तों सांसें बंद हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा मुआहदा भारत कभी भी नहीं कर पाया जितना पाकिस्तान ने कर दिया है। जो इन्होंने बनाया था समोसा वो तो खुद इनकी एयरफोर्स भी नहीं लेने को तैयार, जिसका नाम तेजस है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ देखिए कि पाकिस्तान ने अपना JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी बनाकर थमा दिया है आगे अजरबैजान को। अजरबैजान बिल्कुल हमारा दोस्त है और नारगोनो कारबाग जो आर्मेनिया ने कब्जाया हुआ है हलाका अजरबैजान का, अजरबैजान उसे लेने की अब बड़ी तैयारी कर रहा है और इसी वजह से अजरबैजान ने एक बहुत बड़ा पैकेज पाकिस्तान से ले लिया है। इसी के साथ अजरबैजान ने इसराइल से भी ड्रोन लिए हैं, इसी के साथ तुर्किश TB2 ड्रोन भी ले लिया है। अजरबैजान ने बहुत बड़ा बेड़ा तैयार कर दिया है और नारगोनो कारबाग का वो हलाका जो पहले बच गया था अब वो उसे लेने की तैयारी कर चुका है, एकदम में हमला करेगा और दोस्तों आर्मेनिया की कमर तोड़ देगा, क्योंकि ऐसा वक्त फिर आने वाला नहीं है। एक तरफ यूक्रेन और फिर रूस की जंग जारी है, रूस इस जंग में कूदने वाला नहीं है। पिछली बार तो वो आकर आर्मेनिया को बचा कर ले गया था, इस बार ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन भारत और पाकिस्तान भिड़ने वाले हैं और दोस्तों आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका एयर डिफेंस सिस्टम, सवाथी एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला होने वाला है पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का, और ब्लॉक 3 वहां पर जाकर इन तीनों को उड़ा कर रख देगा, इनकी धज्जियां उड़ा देगा। जंग वहां पर होगी, अजरबैजान जीतेगा, लेकिन दोस्तों चीखें भारत की उठेंगी और जीतेगा पाकिस्तान। इसीलिए अजरबैजान ने अचानक पाकिस्तान के साथ एक बड़ी डिफेंस डील कर ली। अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ JF-17 लड़ाकू विमानों का समझौता कर लिया। अजरबैजान 8 लड़ाकू विमान खरीद रहा है जिसे पाकिस्तान ने चीन की मदद से बनाया है। पाकिस्तान के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है। इस समझौते के बाद पाकिस्तान और अजरबैजान खुशियां मना रहे थे, लेकिन भारत ने तो पूरा खेल ही पलट दिया। सूत्रों के मुताबिक भारत ने आर्मेनिया में अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिया है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमानों को गिराने में बेहद कारगर है। यानी अजरबैजान ने पाकिस्तान से 8 लड़ाकू विमान खरीदे, तो वहीं भारत ने आर्मेनिया को लड़ाकू विमानों का शिकार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम भेज दिया। भारत ने पाकिस्तान के हथियारों का काल आर्मेनिया में बैठा दिया है। प्रोजेक्ट को पाकिस्तान ने चीन की तकनीकी मदद से बनाया है। एक तरफ जहां अजरबैजान चीन और पाकिस्तान के मिलकर बनाए हुए JF-17 फाइटर को खरीदने जा रहा है, वही आर्मेनिया की सेना अब भारत की शरण में पहुंच गई है। पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद अब आर्मेनिया भारत के साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद कर चुका है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तान और अजरबैजान की सेना के बीच में साल 2003 में एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद से एक मजबूत रक्षा साझेदारी है। इस गठबंधन के कारण 2016 में संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था। हाल ही में पाकिस्तान ने अजरबैजान के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदा किया है। दक्षिण काकेशस राष्ट्र का आर्मेनिया के साथ तनाव चल रहा है। वही मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान अजरबैजान को JF-17C ब्लॉक 3 युद्धक विमानों का निर्यात करेगा, जो विदेश में हथियारों के निर्यात के लिए देश का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इतने ने आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष ने दो धुरियां बनाई है। इनमें से एक है अजरबैजान का गुट जिसमें तुर्की और पाकिस्तान शामिल है, दूसरी ओर आर्मेनिया का गुट है जिसमें भारत और फ्रांस शामिल है। आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा है। इनका मुकाबला अजरबैजान के पाकिस्तान से खरीदे गए JF-17C फाइटर जेट से हो सकता है। के बीच भिड़ंत होने वाली है। दरअसल अजरबैजान की सेना ने पाकिस्तान से $1.6 अरब में JF-17C फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है। ये पाकिस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है।
JF-17C फाइटर जेट को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है और इसमें खासकर चीनी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। एक तरफ जहां अजरबैजान चीन और पाकिस्तान के द्वारा मिलकर बनाए गए JF-17 खरीदने जा रहा है, तो ऐसे में दूसरी ओर आर्मेनिया ने भारत से दुनिया की सबसे तेज और सटीक मिसाइलों में से एक आकाश मिसाइल खरीदने का फैसला लिया है। आकाश मिसाइल एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। दुश्मन के लिए सबसे घातक इस मिसाइल की रफ्तार है। ये दुश्मन को बचने की तैयारी तक का मौका नहीं देती है। इसकी गति लगभग 4321 किलोमीटर प्रति घंटा है। आकाश मिसाइल तीन रेंज में आती है। पहला आकाश MK, इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। और तीसरा आकाश NG, इसकी रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के टारगेट को बर्बाद कर सकती है। आकाश प्राइम मिसाइल 720 किलोग्राम वजन की है और इसकी लंबाई 19 फीट होती है। इसके आगे के हिस्से में 60 किलोग्राम वजन तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए JF-17 विमान को लेकर दोनों देशों के द्वारा दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान का ये विमान खटारा साबित हुआ है। अजरबैजान और तुर्की की साजिश के शिकार आर्मेनिया में भारत और पाकिस्तान के दो बड़े हथियार आमने सामने आ सकते हैं। वहीं आर्मेनिया की सेना अब भारत की शरण में पहुंच गई है और पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद अब आर्मेनिया भारत के साथ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद कर चुका है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है। आपको बताएं तो आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों सोवियत संघ में शामिल रहे हैं। 19 के दशक के आखिर में सोवियत संघ के भंग हो जाने के बाद दोनों अलग देश के तौर पर अस्तित्व में आए। दरअसल दोनों देशों के बीच एक ऐसा सीमाई इलाका है जिस पर दोनों ही देश दावे करते हैं। इसी वजह से दोनों में युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती है। जब भी युद्ध होता है तब दोनों देशों में कोई एक देश इस विवादित इलाके के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लेता है, दूसरा देश इसे वापस पाने के लिए भिड़ जाता है और ऐसे में सीमाओं पर दोनों देशों के बीच हमेशा जंग जैसे हाल। आर्मेनिया पहुंच गया भारत के पास और करने लगा एक के बाद एक डिफेंस डील। और फिर क्या था, भारत ने कर डाली आर्मेनिया की मदद। आर्मेनिया को भारत ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दे डाला और इसी के बाद से अजरबैजान बौखलासा गया। ऐसे में अजरबैजान अब अपने सदाबहार दोस्त यानी पाकिस्तान के पास पहुंच गया और JF-17 खरीदने की तैयारी शुरू करने लगा। अजरबैजान का एक डेलीगेशन हाल ही में पाकिस्तान के दौरे पर गया और JF-17 लड़ाकू विमान का निरीक्षण करने लगा। अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार अजरबैजान के एक डेलीगेशन ने हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्रालय यानी MODP का दौरा किया। इसमें शामिल थे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा के प्रतिनिधि। अजरबैजानी डेलीगेशन की यात्रा का मेन टारगेट JF-17 ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान पर अजरबैजानी प्रतिनिधि मंडल को एक व्यापक जानकारी प्रदान करना था। इस खरीद से अजरबैजानी वायुसेना की रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। अजरबैजान की वायुसेना में अभी 5 की संख्या में MiG-21, 10 MiG-29 और 11 सुखोई SU-25, इनमें से भी सिर्फ 50% विमान ही उड़ान भरने के लायक हैं। अब ये तो रही JF-17 की बात, लेकिन इससे पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इलहाम अलीयेव ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया था और कहा था आर्मेनिया को चाहे जो हथियार दिए जाए वे उसे बचा नहीं पाएंगे। कई देश ऐसे हैं जो आर्मेनिया को हथियार देने की तैयारी कर रहे हैं और दुर्भाग्य से अब भारत भी उसमें शामिल है। हम भारत के इस कदम को गैर दोस्ताना मानते हैं। आर्मेनिया को जो भी हथियार दिए जा रहे हैं उसे बचा नहीं पाएंगे और मैंने इसे आर्मेनियाई पक्ष को कई बार बता दिया। मैंने उनसे कहा है कि अपने पैसे को बर्बाद मत करो क्योंकि सबसे पहली बात ये मदद नहीं करेगा और दूसरा इन हथियारों